अरे घुसा दे, घुसा दे, अंदर बोल रहा है। अरे नहीं, अंदर नहीं जाएगी, इधर ही उठा के। अरे स्टेज पर उतार लो, विजुअल तो मिल जाएंगे यहाँ से। कंगना जी वेट है थोड़ा, कंगना जी वेट वेट वेट, आगे क्यों जा रहे तुम लोग? आराम से आराम से, बूम नीचे ले, बूम लगा दिया। स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है फिल्म की, बूम नीचे ले। किसे मणिकर्णिका फिल्म, जैसे आप जानते हैं, इस हफ्ते रिलीज हो रही है शुक्रवार को, और हम लोगों की ये पहली स्क्रीनिंग है जो हमने अपनी फैमिलीज के लिए, मैंने अपने गुरु के लिए रखी है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आप तक इंडस्ट्री से ट्रेलर को देख के? अभी तो इसके अलावा मैं घर में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अरे अरे, मैं मेरी थोड़ा और सुन जा, थोड़ा और सुन, बस नीचे ले थोड़ा सा, हां लेकिन अंदर भी करे, पहले विजुअल लेने दे, उसके बाद। अरे लो भाई लगा ना तू, क्या है बबीलाल वो आगे को भाग जाते हैं, बूम लगा, बूम लगा जी अरविंद। नहीं एक में विजुअल लेने दे, हाँ अंदर जाके करते क्या भाई? पहले यहाँ पे विजुअल। नहीं नहीं नहीं, इधर ही इधर ही करना है। हाँ तू का जल्दी आना। अरे अंदर बोल रहे हैं, यहीं से क्या देख लो यार, रही बात बोलो ना। एक में रुकना यार, विजुअल लेना तो है। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड। मैं पहली बार ही देखने वाली हूँ, उससे पहले मैंने नहीं देखा, सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में देखा है। तो आज पूरा फिल्म देखने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स फैंटास्टिक। मेरे दोस्त और रिलेटिव्स जो भी है उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, सारे सोशल मीडिया में फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, मैं कंगना की मैं बहुत टाइम से उनके काम का एडमायरर रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि मैं उनको सामने से एज अ पर्सन जान पाऊँ। हाँ तो एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं कल ही आई वापस, और कल आते ही डायरेक्ट मैं नेशनल म्यूजियम की ओपनिंग की इवेंट में गई थी। तो मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है इस बारे में, पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, कमल सर जल्दी ठीक हो जाए। मोदी जी जी बहुत जी बहुत अच्छा था। तो पहली बारी मैं मोदी जी से मिली, आई थिंक एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो हमारे देश को एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात हुई? ओके, ज़्यादातर तो वो ये बोल रहे थे जो अपना नेशनल म्यूजियम का ओपनिंग हुआ है, आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट, बिकॉज आमतौर से भारतीय जनता जो है सिनेमा को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझते हैं, बट देन फिल्म्स का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है हर चीज़ के ऊपर, यू नो, हमारे कल्चर के ऊपर, और विदेशों तक काफ़ी देश में हमारा जो कल्चर है उसको पहुँचाता है हमारी सिनेमा, हमारी फिल्में। तो उस सब बारे में बात हुआ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर मूवी बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, और जब ये मूवी हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बना रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहे उस चीज़ को लेके, और सब ने बहुत ही केयर किया कि यू नो कहीं पे हम थोड़ा सा भी गलत ना हो जाए, और हमने यही ट्राई किया है कि उन्होंने जो भी किया है हमारे देश के लिए वो और उभर के आए, और लोगों को पता चले कि उनकी क्या सैक्रिफाइसेस रही है जिसकी वजह से हम ये आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमसे कहीं भी ऐसा कोई गलती हुआ है, तो वो तो जब फिल्म आएगा लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा। नहीं, ये तो बहुत ही, देखिए देश में लॉ है, और हमारा जो सेंसर बोर्ड है, हमारी फिल्म में तो प्रसून जोशी जी है, इससे ज़्यादा क्या होगा, यू नो, एक फिल्म को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो ये जो अगर किसी ने अटैक्स की धमकी दी है तो बहुत गलत बात है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू। एक बार अंदर करा दो ना भाई। अरे हटना यार, तू विजुअल होने दे। बिलाल बिचाना तो बस बैठ जाए, थोड़ा क्या है मैम, लेफ्ट
अच्छी फिल्म देखने के लिए आप आई थिंक आई मीन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म क्योंकि एक तो ये लेजेंडरी है स्टोरी हमारे देश की एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो कंगना हैज पिक्ड अप अ टॉपिक लाइक दिस व्हिच इज व्हिच डील्स एंड ग्लोरिफाइज आवर विमेन शीरोज ऑल थ्रू द सेंचुरीज एक्चुअली मैम कंगना विमेन एम्पावरमेंट जैसे कि आप लोग बहुत ही विमेन एम्पावरमेंट मम्मी का ओके जैसे कि फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा आपको ट्रेलर भी बहुत ही रॉक सॉलिड है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द फिल्म आल्सो टू बी एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड आई सी द फिल्म देन आई विल टेल यू ऑल लेट मी जस्ट सी द फिल्म ना वन सेकंड मैम क्या कहना चाहेंगे ऐसे अटैक की धमकियां मिल रही है उनको उसके बाद क्या कहना चाहेंगे अच्छा आई एम सॉरी मैंने ये पढ़ी नहीं है कंट्रोवर्सी आई विल जस्ट फाइंड आउट अबाउट इट एंड आई विल लेट यू ऑल नो वुमेन्स को इस तरह का धमकी देना आप कैसे आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल जस्टिफाइड इट्स टेरिबल आई थिंक दीस काइंड ऑफ थ्रेट्स शुड बी टेकन रियली सीरियसली रियली थैंक यू तो लेना पड़ेगा नहीं हो पाएगा साथ में घूम मत घुसा रुक सुन चल साथ में सर 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 वेट अरे अरे रुक ना यार अच्छा थोड़ा पूछा यार चलना उधर भाई बॉक्स लगाओ ना ले लो वेल झांसी लक्ष्मी हैज बीन अ हीरोइक फिगर इन दिस कंट्री So definitely we are interested in watching a movie about her. Thank you. Kangana ji ne aapko jab invite kiya how was the trailer aapne dekha rahega kitna pasand aaya aapko guru ji The trailer looks exciting let's see. Sir Kangana also getting hype from fringe group what do you want to say acid attacks they are given so your guru ji you should your opinion is matters This you know a cinema is a cinema if you like to see it you see it if you don't like to see it you don't see it there is no need for all this unnecessary situations un logon ke liye kuch message dena chahenge aap jo is tarah ki baatein bolte hain see there is a law in this country the law should act nobody can threaten anybody about anything in this country that's what law is supposed to be I'm sure the law will act and make sure the movie will happen Above all, Jhansi Rani is such a hero in this country. I'm sure people will enjoy that. Sir, do you not think government should take action? पीछे आना शायद अब तो पूरा मुंह पे घुस गया यार. I said this is not about the government. There is a law of the land. They should take. Thank you so much. Thank you. मुंह को नीचे कर बे. जब हाथ जोड़ रहा तो मुंह नीचे करना तू. Baby, say hi. Bolega. Thank you, ma'am. अरे लेने के लिए हम कभी भी ले ले एक बाइक मैम 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 दादा हटो ना ओ भाई मैम मैम चलो जान ए भाई लोग बाहर चलो